एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो टॉपिक का नाम है कर्व ट्रेसिंग इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सिमेट्री चेक करनी है। सबसे पहले आपको सिमेट्री चेक करनी है कर्व की, कि जो कर्व है वो सिमेट्रिकल कहाँ कहाँ पे है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें किस हिसाब से लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं और आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल कहाँ कहाँ पे होंगे। वो कैसे चेक करना है वो अभी सुन लो। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपको चेक करना है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होने का मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होने का मीनिंग क्या है, कि ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, जैसी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी वैसी सेम कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी। तो ये पहला पॉइंट अगर होता है तो उसका मीनिंग है कि जैसी कर्व आप एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओगे वैसी आपको सेम टू सेम कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी बनानी पड़ेगी। तो इसका मीनिंग है कि जो ये कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अगर कर्व वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होगी तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है, जैसी कर्व वाई एक्सिस के इस साइड बनेगी वैसी कर्व आपके इस साइड बननी है। तो इसका मीनिंग है सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। तो अगर कर्व इस साइड कुछ इस शेप की बन रही है तो इस साइड भी ऐसे ही बनेगी। अगर ऐसा होता है तो कर्व हमारी सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस है। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे बन रही है और वैसे निचली साइड बन रही है तो वो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सिमेट्रिकल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अपोजिट क्वाड्रेंट का मीनिंग ये है कि अगर कर्व इधर ऐसे बन रही है तो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में इधर भी ऐसे बनेंगे। तो अपोजिट क्वाड्रेंट का मीनिंग है, अगर इस क्वाड्रेंट में कर्व ऐसी बनी तो इधर भी ऐसी बनेगी। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसी बनेगी। ये आपका तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग क्या है ये भी आप समझ लो। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स का मीनिंग क्या है, ये जो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है वो ये वाली लाइन होती है। इस लाइन को बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। और इसके लाइन के ऊपर सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, कि जैसी कर्व लाइन के इस साइड बनेगी वैसी कर्व इधर बनेगी। तो ये फोर्थ पॉइंट का मीनिंग है। तो ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट हमें चेक करने हैं उन सबका मीनिंग समझा दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चेक कैसे करने हैं बात वो होती है। चेक करने के लिए बड़ी आसान ट्रिक है, मैं आपको याद करवा देता हूँ अभी। अगर आपको एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल चेक करना है तो आप कर्व के अंदर क्या करो, वाई की प्लेस में माइनस वाई डालो। वाई की प्लेस में क्या डालो, माइनस वाई। और जो कर्व है वो अनचेंज रहनी चाहिए, जो कर्व है वो अनचेंज रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, अनचेंज। तो हम बोलेंगे कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। जब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल चेक करनी है तो वाई को माइनस वाई डाल लें, उल्टा डाल लें। और जो कर्व है वो अनचेंज रहनी चाहिए, ठीक। अनचेंज का मीनिंग है, जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर इज इक्वल टू फाइव, अब आप इसमें वाई को डाल रहे हो माइनस वाई, तो वाई को अगर माइनस वाई डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अनचेंज रहेगी। तो ऐसी कर्व एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल बतानी है तो आप उस कर्व के अंदर एक्स को चेंज कर दो माइनस एक्स में, और जो कर्व है वो अनचेंज रहनी चाहिए, जो कर्व है वो चेंज नहीं होनी चाहिए।
जब आप x की प्लेस में क्या डालो, माइनस x डालो, कर्व वैसे ही रहनी चाहिए जैसा आपको क्वेश्चन दिया है, वैसा ही क्वेश्चन रहना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो वो कर्व है वो आपकी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अब सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, तो ये कब बोलना है आपको, ये हमें तब बोलना है जब आपने x को माइनस x डाल दिया और y को क्या डाल दिया, माइनस y, और दोनों केसेस में कर्व अनचेंज हो। कहने का मतलब है ऐसी कर्व जो x एक्सिस के भी सिमेट्रिकल हो और y के भी सिमेट्रिकल हो तो आपने बोलना है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x को चेंज करने पे भी, x को माइनस x डालने पे और y को माइनस y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर्व अनचेंज रह रही है, तो वो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट है। वो जो कर्व है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कैसे चेक करना है, आपको क्या करना है, एक्स को वाई बना देना है और वाई को क्या बना देना है, एक्स बना देना है। अगर एक्स को वाई बनाने पे और वाई को एक्स बनाने पे जो कर्व है वो अनचेंज रह रही है, जो हमारी जो कर्व है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो सिमेट्रिक लाइन है वो इस लाइन की सिमेट्रिकल है, वो जो कर्व है वो इस लाइन के ऊपर क्या है, सिमेट्रिकल। तो ये पॉइंट्स सबसे पहले आपको रफली चेक करने हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। जब आपने ये पॉइंट चेक कर लिया, अब दूसरा पॉइंट है आपको चेक करना है क्या कर्व के ऊपर ओरिजिन लाई करता है नहीं करता, ये दूसरा स्टेप है। अगर किसी भी कर्व के ऊपर ओरिजिन लाई करता है तो इसका मतलब है आप उसमें x को डालोगे 0 और y को डालोगे 0 और ये दोनों कर्व को सेटिस्फाई करा देने चाहिए, कर्व इन दोनों को क्या करा दे, सेटिस्फाई करा दे, तो हम बोलेंगे कि जो ओरिजिन है वो कर्व के ऊपर है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, आपने एक्स को जीरो डाला वाई को जीरो डाला तो लेफ्ट साइड भी जीरो बन गया राइट साइड भी जीरो बन गया, सेटिस्फाई कर गया। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है जब दोनों तरफ जीरो डालने पे सेटिस्फाई कर जाए, सेम आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो जो ये कर्व है इसके ऊपर ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, ओरिजिन इस कर्व के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया पॉइंट, तीसरा पॉइंट ओरिजिन भी हो गया। तीसरा पॉइंट जब ओरिजिन आ जाए तो अब आपको ओरिजिन को चेक भी करना है कि वो ओरिजिन कैसा ओरिजिन आ रहा है। अभी हमने डबल पॉइंट्स में पढ़ा था ओरिजिन की नेचर क्या क्या हो सकती है, नोड हो सकती है, कस्प हो सकती है, कंजुगेट हो सकती है। तो जब ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाए, जब इधर टिक आ जाए सेटिस्फाई कर जाए, तो आपको चेक करना है क्या वो नोड है, क्या वो कस्प है, क्या वो कंजुगेट है। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी बार बार पूछता है वो इन्हीं दो को पूछता है। और मैं आप तुम्हें बता दूं कि अगर नोड आ जाता है तो वो जो कर्व है वो इस टाइप की बनती है, ये हमने पढ़ी हुई है। अगर कस्प आ जाता है तो कर्व की शेप इस टाइप की बनती है, ये भी हमने पढ़ी हुई है। और कैसे पता चलता है, डबल पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अगर कंजुगेट आ जाए तो कर्व दूर होती है, पॉइंट दूर होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये भी चेक करना है। फोर्थ पॉइंट क्या चेक करना है, फोर्थ पॉइंट हमें चेक करना है कि वो जो कर्व है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो चेक करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व कब कट कर रही है और वाई एक्सिस के ऊपर कर्व कब कट कर रही है। वो कैसे चेक करना है, अगर आपको चेक करना है एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व कब कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे तभी कट करेगी ना जब वाई जीरो आएगा। तो आपको क्वेश्चन में वाई को जीरो डालना है तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट किसके ऊपर मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। और अगर आप कर्व के अंदर x को जीरो डालोगे तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा। तो आपको वो सारे पॉइंट निकाल देने हैं जिस पे x जीरो और y जीरो आ रहा है, अगर वो निकलते हैं तो वो सारे निकाल देने हैं। ठीक है, ये आपके चार पॉइंट आपको चेक करने हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या चेक करना है, आपको रीजन चेक करना है, क्या चेक करना है, रीजन। तो ये मैं वो क्वेश्चन पे बताऊंगा ये चेक कैसे करते हैं। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट से पहले एक पॉइंट और है, आपको एज़म्पटोट भी चेक करना है, क्या चेक करना है, एज़म्पटोट, क्या कोई एज़म्पटोट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और एज़म्पटोट्स भी हमने ऑलरेडी इस जम्मू यूनिवर्सिटी के सेमिस्टर फर्स्ट के टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि एज़म्पटोट्स का मीनिंग क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अब ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए स्टूडेंट्स, इन सब पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप आराम से समझना। अगर आप एक क्वेश्चन समझोगे तो आपको तकरीबन
ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व, क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स, ये कर्व ट्रेस करनी है। और इस साइड है आपका एक्स स्क्वायर इंटू थ्री ए माइनस एक्स, ये कर्व है, ये आपको ट्रेस करनी है। तो सबसे पहले हमारे स्टेप्स को आप याद रखो, सबसे पहले तो लिख दो कर्व है क्या। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू थ्री ए माइनस एक्स, ये आपके पास सबसे पहले कर्व दी हुई है। अच्छा, जैसे आपके पास कर्व आ गई, आपने सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना है। तो ये मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब आपको पहले इसकी सिमेट्री चेक करनी है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने अभी अभी कि आपको क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है। तो मैं पॉइंट लिखूंगा, पेपर भी आपने ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, पहले तो अगर आप वाई को माइनस वाई डालते हो तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का पता चलता है। देखो अगर मैंने वाई को माइनस वाई डाला तो माइनस वाई का स्केयर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं आया कर्व में। तो y को माइनस वाई डालने में कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर जैसे ही मैंने x को माइनस x डाला, तो जब मैं x को माइनस x डालूंगा तो इधर साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो कर्व में फर्क पड़ गया। इसलिए मैं x को माइनस x नहीं डाल सकता। तो इस कर्व में मैं क्या बोलूंगा कि जो ये कर्व है ये रिमेन, कर्व रिमेन्स अनचेंज, कर्व रिमेन्स अनचेंज व्हेन व्हेन y is replaced by minus y। जब y को मैं minus y डाल रहा हूं तो कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे, आप इस y की जगह minus y डालो, minus y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है और कहीं और तो y है ही, तो कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस y। तो इसका मतलब है जो ये कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis, curve is symmetrical about x axis, symmetrical about x axis। तो अब अगर ये curve x axis के symmetrical है तो इसका conclusion ये है कि जैसी curve x axis के ऊपर बननी है वैसी curve x axis के नीचे बननी है। ठीक है, I hope आप ये concept अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला point इसमें ऐसे ही check करना है। अच्छा students, दूसरा point क्या है, दूसरा point आपको check करना है origin के बारे में, क्या जो कर्व है उसके ऊपर ओरिजिन लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको कर्व में x को 0 डालना और y को 0 डालना, देखना सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो अगर आपने इधर 0 डाला y को तो 0 इंटू समथिंग 0, इधर 0 डाला 0 इंटू समथिंग 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं लैंग्वेज क्या लिखूंगा, द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन एज इट इज सेटिस्फाइज बाय द पॉइंट 0 0। तो मैं लिखूंगा जो कर्व है passes through the origin, जो कर्व है वो किससे पास कर रहा है, द कर्व passes through the origin, जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, as हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, as it satisfies 0 0, जो कर्व है उसमें x और y को 0 0 डालो तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो फिर मैंने बोला था अगर ओरिजिन से पास करेगा तो आपको डबल पॉइंट का कंसेप्ट लगाना है और चेक करना है, ये देखो मैंने इधर लिखा हुआ है। और जब ओरिजिन से पास करेगा, अगर ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर जाता है तो आपको डबल पॉइंट चेक करना है ओरिजिन पे कौन से होंगे, तो वही करेंगे। अब डबल पॉइंट कैसे चेक करते थे, हम इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म करते थे। तो मैं लिखूंगा नाउ इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, the lowest degree term, equating to 0 the lowest degree term। अच्छा अब इसको अगर ध्यान से मैं सॉल्व करूं तो ये बन गया y square a plus y square x minus 3 a x square x cube इस साइड आ गया plus x cube। अब equating to 0 the lowest degree term, lowest degree term एक इसके पास square है और एक इसके पास square है, तो lowest degree term इसकी क्या आ रही है students, y स्क्वायर a माइनस 3 ax स्क्वायर, y स्क्वायर a माइनस 3 ax स्क्वायर, ये इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है।
ए दोनों से कॉमन निकाल के जीरो के नीचे ले आए तो वो कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है या तो आप वाई निकालो या तो आप एक्स निकालो, मैंने वाई निकाल दिया तो वाई हमारा किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस रूट थ्री एक्स। तो आपका वाई क्या आ रहा है, वाई आपका आ रहा है रूट थ्री एक्स, और दूसरे केस में आपका वाई क्या आ रहा है, वाई मेरा आ रहा है माइनस रूट थ्री एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि दो इधर टेंजेंट्स आ रहे हैं, रियल टेंजेंट्स आ रहे हैं मगर ये डिस्टिंक्ट है, तो मैं बोलूंगा रियल बट डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। रियल टेंजेंट्स तो आ रहे हैं मगर ये डिस्टिंक्ट है, और जब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग तो वो जो पॉइंट होता है, तो देयरफॉर जो ओरिजिन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, नोड आ जाएगा। ओरिजिन इस केस में क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आ रहे हैं तो नोड आ जाएगा ओरिजिन में, देयर इज ए नोड एट ओरिजिन। यस लिख, क्या लिख लेंगे हम, देयर इज नोड एट ओरिजिन, देयर इज नोड एट ओरिजिन। ये मैंने किया डबल पॉइंट वाला कंसेप्ट, और जब हम डबल पॉइंट निकालते हैं तो इसके आगे और भी स्टेप करते हैं, मगर अभी जब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होगा, नोड ही बनेगा। तो आपको बस इधर तक रखना है और उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। अगर ओरिजिन पे नोड बन रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम ये कंक्लूजन निकाल दिया कि ये जो आपका ओरिजिन है, ये जो मेरा ओरिजिन है इसके ऊपर नोड बन रहा है, तो नोड बनता है ऐसे, या तो कर्व ऐसे जाएगी, ओरिजिन पे नोड बन रहा है या तो कर्व ऐसे जाएगी, ओरिजिन पे नोड बन रहा है या तो कर्व ऐसे जाएगी, ओरिजिन पे नोड बन रहा है या तो कर्व ऐसे जाएगी। अब कैसे जाएगी वो हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर्व कब कट कर दी है, वो हमें उधर से पता चलेगा। हमें शेप तो पता चल गई कर्व की, अब कर्व पास कैसे करेगी वो हमें ये पता चलेगा जब मैं एक्सिस इंटरसेक्शन पढ़ूंगा। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्सिस इंटरसेक्शन, एक्सिस इंटरसेक्शन। एक्सिस इंटरसेक्शन को मैंने कैसे बताया, कैसे देखना है, अगर आपको एक्स एक्सिस पे चेक करना है तो आप वाई को जीरो पुट कर लो। जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कब कट कर रही है, द कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस, कब, जब वाई कितना होगा, जीरो। तो ऊपर वाले मेन क्वेश्चन में वाई को जीरो डाल दो। तो देखो जब मैंने वाई को जीरो डाला स्टूडेंट्स, तो ये पूरा बन गया जीरो, और ये आपके पास क्या आ गया, अगर मैंने वाई को जीरो डाला तो मेरे पास क्या आया, व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री ए माइनस एक्स भी क्या होगा, जीरो। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इधर से क्या आ गया, x इज इक्वल टू जीरो, और इधर से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3a। x किसके इक्वल आ गया, 3a। तो या तो x जीरो आ रहा है या तो x क्या आ रहा है, 3a आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये कर्व है ये x एक्सिस को किस पे कट कर रही है, दिस इंप्लाइज कर्व कट्स x एक्सिस, किस पॉइंट पे कट कर रही है, एट 3a 0, जब x क्या है 3a और y क्या है 0, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और किस पे पॉइंट पे कट कर रही है, 0 0, जब x 0 है और y भी क्या है 0, तो y 0 x 0 एक ये पॉइंट और एक x 3a और y 0 एक ये पॉइंट। अब वैसे ही जैसे मैंने y x एक्सिस पे चेक किया, अब मैं वैसे ही किसके ऊपर करूंगा कि ये y एक्सिस पे कब कट कर रही है, तो y एक्सिस पे भी चेक कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा द कर्व, द कर्व कट्स एट वाई एक्सिस, ये कर्व किसके ऊपर कट कर रही है, वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, व्हेन एक्स कितना आ रहा है, जीरो, जब एक्स कितना आ रहा है, जीरो। और जब आप एक्स को जीरो डालोगे मेन इक्वेशन में, जब आप मेन इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को जीरो डालोगे तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग है, वो तो पूरा जीरो बन जाएगा, और इधर कुछ ऐसा आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू, वाई स्क्वायर इंटू x को जीरो डालूंगा तो इधर आ जाएगा a प्लस जीरो, आप चेक कर सकते हो। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर a इज इक्वल टू जीरो, y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और y कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब है y एक्सिस को कर्व कब टच कर रही है, जो कर्व है वो y एक्सिस को कब मीट कर रही है, कर्व मीट्स y एक्सिस, कब मीट कर रही है y एक्सिस को, ओरिजिन पे ही कर रही है। तो ये भी हमने पॉइंट निकाल दिया।
इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, इसके बाद वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स एजम्पटोट का, इसके बाद वाला पॉइंट किसके है एजम्पटोट का। तो मैं एजम्पटोट की हेडिंग डाल दूंगा ASYMPTOT। तो एजम्पटोट आपको चेक करने हैं, और इधर ज्यादा आप रेक्टेंगुलर एजम्पटोट ही चेक करना, ओब्लिक एजम्पटोट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप रेक्टेंगुलर एजम्पटोट ही ज्यादा चेक होंगे। रेक्टेंगुलर एजम्पटोट कैसे चेक करते थे, हम देखते थे एक्स की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, उसका कोफिशियंट निकालते थे। तो इक्वेटिंग टू जीरो क्या लैंग्वेज लिखाई थी मैंने, वो आप मैंने आपको पहले की बताई है। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, कॉमा वी गेट, जब मैं इक्वेट करूंगा जीरो को कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, जब मैंने एक्स की हाईएस्ट पावर को क्या किया, इक्वेट किया, तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो एक्स की हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब और उसका कोफिशियंट है वन, तो मेरे को वन मिलेगा। और वाई की हाईएस्ट पावर कौन है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो मेरे को ए प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एजम्पटोट नहीं पढ़ा, डबल पॉइंट नहीं पढ़ा, तो पहले वो पढ़ेगा तभी कर्व टेस्टिंग आएगी। तो इक्वेटिंग टू जीरो तो कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, इधर क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो वी गेट आपको मिलेगा वन। और जैसे आपने जीरो के इक्वल किया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज नो एजम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर नो एजम्पटोट, नो एजम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही चेक किया था। फिर अब मैं लिखूंगा इक्वेटिंग टू जीरो, ये तो मैंने एक्स एक्सिस के लिए निकाला, अब मैं किसके लिए निकालूंगा, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई वी गेट। तो जब आप हाईएस्ट पावर वाई की करोगे तो वो वाई स्क्वायर थी, तो उधर एक ए आ रहा था और एक एक्स आ रहा था, ए प्लस एक्स आ रहा था। वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा था, ए प्लस एक्स आ रहा था, लेफ्ट साइड आ रहा था। तो आप चेक कर लेना, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये एजम्पटोट निकलेगा जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ये वो एजम्पटोट है जो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट अपना चेक करेंगे रीजन, तो रीजन अभी चेक नहीं होता है, रीजन के लिए पहले कर्व बनानी पड़ती है, ठीक है। तो रीजन के नीचे हम लिखेंगे रफ स्केच, कर्व का रफ स्केच, कर्व का रफ स्केच क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे कर्व बनेगी, बड़ी सिंपल है ये, आपको क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा मगर ये इतना लेंथी है नहीं, अगर आप दो दिन बाद निकालोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन है जिसको हम बोलते हैं जीरो जीरो, और आप अभी बोल रहे हो कि ओरिजिन पे नोड आया है, इस क्वेश्चन में ओरिजिन पे क्या आया हुआ है, नोड आया है। और जो हमारी कर्व है वो अभी हमने ऊपर तीन चार पॉइंट कैलकुलेट किए कि जो हमारी कर्व है वो एक्स एक्सिस को किस पे मीट कर रही है, थ्री ए कॉमा जीरो पे। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे थ्री ए किस साइड होगा, प्लस वाली साइड ही होगा, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, थ्री ए कॉमा जीरो। तो जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करके जाएगी, थ्री ए कॉमा जीरो पे, और वाई एक्सिस को किस पे कट कर रही है, जीरो जीरो पे, वो तो आपको जीरो जीरो दिख रहा है, ऊपर से बन रहा है नोड, और आपको पता है ना नोड की शेप ऐसी होती है, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में कर्व ऐसे बनेगी, ये नोड बनाया और ये इधर से ऐसे चला गया, ये किसकी शेप है, नोड की शेप है, नोड हमारा ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको डबल पॉइंट में बताया होगा। और इस साइड क्यों इसका मुंह बना, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये थ्री ए जीरो पे काट रहा है, इस क्वेश्चन में आपने ऊपर देखा, तो ये कर्व बन गई। अच्छा, अब इसमें एजम्पटोट कौन आया है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एजम्पटोट कौन आया है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक वो लाइन होती है जो पैरेलल किसकी होती है, वाई एक्सिस के, तो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये लाइन हमारी होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये लाइन मेरी कौन सी होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। फिर आपको पता है कि एजम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है कि जो कर्व है वो उससे मिलती तो नहीं है मगर उसके साथ साथ जाती है, ठीक है, मिलेगी तो नहीं मगर उसके साथ आ जाएगी, तो ये कर्व इसके साथ आ जा रही है, ठीक है। तो ये कर्व इसको ऐसे ऐसे आगे छोड़ दे रहा है और इधर से भी नीचे इसको ऐसे छोड़ दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको रीजन चेक करना है ना, तो अब आपको क्या चेक करना है, रीजन चेक करना है। तो देखो ये थ्री ए पे टच कर रहे, अब चेक करना है क्या ये थ्री ए से आगे जाएगी, तो हमने कैसे चेक करना है वो हम देख लेते हैं।
तो रीजन में क्या लिखना है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3a, जब एक्स 3a से बड़ा होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था बेसिकली, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन था ये, वाई स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू 3a माइनस एक्स। और आप बोल रहे हो कि जब जो आपका एक्स है वो 3a से बड़ा होगा, अगर एक्स 3a से बड़ा है तो कोई 4a होगा। अगर आपने इधर एक्स को क्या डाला, 4a डाला, तो 3a माइनस 4a माइनस है, तो वाई स्क्वेयर आ रहा है नेगेटिव। क्या वाई स्क्वेयर कभी नेगेटिव आ सकता है? आ ही नहीं सकता है, फिर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मैं लिखूंगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3a देन वाई स्क्वेयर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारी कर्व है वो 3a से आगे नहीं जाएगी। अच्छा, अब एज हम टू वोट इसको कहाँ रोक के एक्स इज इक्वल टू ए, तो दूसरे रीजन में क्या चेक करूंगा, व्हेन एक्स लेस देन माइनस ए, क्योंकि एज एम टोट ने इधर ये जो पॉइंट है माइनस ए है, तो कर्व तो इधर तक ही है। अब मैं देखूंगा क्या कर्व इस साइड है, तो इस साइड कैसे करूंगा, एक्स ले लूंगा माइनस ए से छोटा, माइनस ए से छोटा लिया तो वो कोई माइनस टू ए होगा, ठीक है। तो एक्स को माइनस ट्वाइस ए डालो, देखो ये मैंने एक्स को डाला इधर माइनस ट्वाइस, तो ए माइनस ट्वाइस ए नेगेटिव आ गया, ए माइनस ट्वाइस ये पूरी वैल्यू आई नेगेटिव, तो एक्स के नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब एक्स लेस देन माइनस ए है या तब वाई स्केयर को भी नेगेटिव हो सकता है, अगेन वाई स्केयर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रीजन में बस यही लिखना है। तो इसका मतलब है कि जो ये कर्व है ना, हम इसके आगे जा सकते हैं ना हम इस लाइन के पीछे आ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी कर्व बन गई। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसको आप रब कर सकते हो, ये समझाने के लिए लिखा, इसको आप रब कर सकते हो, और फाइनल लास्ट के एग्जाम में जो लास्ट पेज पे आपको ऐसा बनाना है रफ स्केच, तो ये आपका नोट बन गया। और इस क्वेश्चन की कर्व यही है। अब मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि हमने ठीक किया है गलत किया है। वो कैसे, अभी आप बोल रहे थे इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की सिमेट्री कर, तो देखो जैसे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, जैसे ऊपर कर्व बनी है वैसे कहाँ बनी है, नीचे बनी है। तो ये कर्व है आपके पास, और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पहला क्वेश्चन है ये हमारा इस कर्व के साथ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे को पता है स्टूडेंट्स कि आपके एग्जाम 20th को है, तो ये जो टॉपिक रही है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स की कर्व ट्रेसिंग, ये मैं कोशिश करूंगा कल के कल खत्म करने की। फिर उसके बाद एक आपका सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाला टॉपिक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में ये जो कर्व ट्रेसिंग है ये अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके बाद वाले लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग के ऊपर जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं सबके सब करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।